हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो या गाइस, आज के इस बार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे किसी तरीके से कैसे वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियोस को प्रॉपरली तरीके से अपनी वीडियोस पे अपनी आई मीन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करते हो तो आपका जो वीडियोस है वो काफ़ी हद तक रैंक नहीं करता है और आपके भी सर्च लिस्ट में नहीं आती है और आपके व्यूज नहीं बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर भी गेन नहीं होते हैं। तो आप चैनल पर सब वीडियोज़ अपलोड करने का सही तरीका आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं फुल डिटेल के साथ बताऊँगा कि अपनी वीडियोज़ को कैसे अपलोड कर सकते हो सही तरीके से। तो सो ये इस वीडियो का एंड तक दिखेगा, ओके एंड तक दिखेगा। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक दिखेगा। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube वीडियोस का सही तरीका क्या है। तो YouTube वीडियोस को अपलोड करने का सही तरीका यह है कि अगर आप चाहो तो हमें YouTube वीडियो को वाई टी स्टूडियो मीटा ब्राउजर सेक्शन से भी अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, या चाहो तो YouTube से भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगा अभी YouTube स्टूडियो मीटा ब्राउजर सेक्शन से आप जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड का सेक्शन दिखेगा। तो आप वहाँ पर टाइप कीजिएगा सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर लाइक ऑप्शन है तो आप लाइक जा सकते हो। ये वाइटी स्टूडियो का मीटा प्रोग्राम का सेक्शन है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो इन यूट्यूबर अगर आप यूट्यूब सेक्शन से यानी मीटा प्रोग्राम से करते हो तो ठीक रहेगा। अगर आप यूट्यूब से अपलोड करते हो तो वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कहीं से भी अपलोड कर सकते हो। इसलिए मैं अब आपको यूट्यूब से कैसे अपलोड कर सकते हो उसको कर लिए। और उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको वाइटी स्टूडियो अपलीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया तो वो काफ़ी बेटर एप्लीकेशन रहेगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन जरूर से होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन का आपको सबसे पहले ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद यूट्यूब पर आप जाना है तो यूट्यूब को लोगो वाला आइकन देख लेना, लोगो वाले आइकन पर टैप करता हूँ तो आप तीन चार जिम लाइट यूज करते हो आपको देख लेंगे कि वही जिम लाइट है या नहीं। अगर नहीं हो तो सिलेक्ट करने वाला आपको टॉप पे नेट के नीचे वाले सेक्शन पे बीच वाले सेक्शन पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको वहाँ पर टैप करना होगा प्लस वाले ऑप्शन पर। तो प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद जो ऑप्शन कुछ इंटरफेस खुल के आएगा तो अपलोड वीडियो पर पहला वाला ऑप्शन है तो आपको वहाँ पर टैप करना है। तो अपलोड वीडियो पर टैप करने के बाद आपका ढेर सारे वीडियोज आएंगे, तो जितनी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो तो उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं ये वाली वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ, ये मैं एक वीडियो कर रहा हूँ जिसमें मैंने इस वाली वीडियो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट मतलब ब्रेक पर टैप करना होगा, फिर आपको आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो या आप चाहो तो इसके बाद भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला तो डायरेक्टली सिंपली सेव कर देता हूँ अपलोड। मैं बाद में बताऊँगा कि इसे कैसे कैसे करना है एडिट। तो अपलोड योर वीडियोस पर अपलोड होने के बाद फाइनली ये जो है अपलोड हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अपलोड भी हो गया। तो मैं वीडियो को कट कर दिया, ये आपकी जो अपलोड भी हो गया। चाहो तो डिलीट कर सकते हो, कितने भी आपको पता होता है इस वीडियो को कैसे एडिट करना। तो एडिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन में तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आई अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में जाना होगा। अगर आपके सामने इस बार से नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है तो आपको यहाँ पर सीधे से अपनी वीडियोज़ पर टैप करना होगा। तो वीडियोज़ पर टैप करने के बाद आपको कैसे वीडियोज़ पर टैप करना होगा, फिर पेंसिल लेकर टैप करना होगा। पेंसिल लेकर टैप करने के बाद आपके सभी इसके अंदर का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप चाहो तो अपने टाइटल को भी आई मीन यूज कर सकते हो। तो टाइटल आपको कैसा लिखना है तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो तीन यूट्यूबर जो लिखते हैं वो आई मीन शॉर्ट की वो लिखते हैं, सिंपली जो है वो आई मीन स्मॉल की स्मॉल फ्रंट पर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, स्मॉल फ्रंट में देखने को अच्छा नहीं लगता तो आई मीन आपको अच्छा लगा आई मीन टाइटल देने का चाहिए देखने का अच्छा लगे, फिर आपको जो है सिंपली से टैप कर देना। तो आपको ऐसा लिखना है और चाहो तो इसका भी कॉपी करके वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी डायरेक्टली आके पेस्ट कर सकते हो, इसे पेज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो आप चाहते हो यूट्यूब कर सकते हो, मैं डेमो करवा दूँ, मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। फिर आप चाहोगे यहाँ पे अपना हैशटैग जो है वो यूट्यूब चैनल का हैशटैग लगा सकते हो तो वो अभी मैं आपको देख सकते हैं। ज़्यादातर अगर कोई सर्च करेगा तो वो आपकी ये बड़ी वीडियो सबसे पहले आएगी। तो ऐसे लगाते हैं जो न्यू यूट्यूबर है वो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखने से आपको तो जाकर यहाँ पे स्मॉल एंड फॉन्ट आई मीन बिग फॉन्ट में स्मॉल फॉन्ट में लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने को। तो आप ये वाले सेलेक्ट कर लेना, तो सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे टाइटल को छोड़ देना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कैसे फिल करना है, तो डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे जाकि यहाँ पे फिर से आपको टाइटल पहले कॉपी कर लेनी है डिस्क्रिप्शन में जो भी टाइटल आप यहाँ पे कर रहे हो। तो फिर आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मैंने लिख के रखा है, तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है तो आप उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन को मैंने डिस्क्रिप्शन का जिससे सही तरीके से लिखते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियोज़ बना दिया है तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जैसे फाइनली मैं कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो और डिस्क्लेमर भी यहाँ पे कॉपी है इसी से रिगार्डिंग है। तो आई मीन किसी से रिगार्डिंग है तो यहाँ पे आई मीन इसे कर दिया हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट में।
कॉपी करने के बाद आपको सिंपली कॉपी करना है, फिर आपको यहाँ पे कर देना है यूट्यूब यूट्यूब स्टूडियो पे एप्लीकेशन में जाना है। यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे जाना है, फिर से वीडियो को सिलेक्ट करना, फिर से सेट करना, फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है इसका जो कर देना है वो आपको यहाँ पे कट करके यहाँ पे जो आपका टाइटल था पहले वो ग्राफिक में यहाँ पे लिख देना आपको आता है, यहाँ पे सेव नहीं करते इसलिए या प्रॉब्लम आई मेरे देखने को कि आपको भी सामने प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। तो हमें आपको टाइप करके आपको डिलीवरी उसको सेव कर लेनी चाहिए थी, तो जैसे कि आप फास्ट लिख रहा हूँ तो ऐसा लिख देने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली से इसे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल में से पेस्ट कर देना होगा। तो पेस्ट में कर देने के बाद यहाँ पे सिंपली से तो यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कर देने के बाद आप ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा सिलेक्ट ऑडियंस के यहाँ के थोड़ा ऐसे कर देते हैं डिस्क्रिप्शन फिल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सिलेक्ट ऑडियंस को टाइप करके आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख जाते हैं यस इट्स मेट फॉर किड्स नो इट्स मेट फॉर किड्स। तो पहला अगर ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो किड्स को कॉन्टेंट वीडियोज़ है तो आपको पहला सिलेक्ट करोगे, अगर आपका किड्स कॉन्टेंट वीडियोज़ नहीं है तो आप नो इट्स मेट फॉर किड्स पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली स्टेप करना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन वो आपको डिपेंड करता है कि अपनी ईयर 18 ईयर्स प्लस वाले इसको अभी दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको यहाँ पे टैप करके सिंपली से कर देना है, कर देने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे जगह देना, फिर जगह देने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, फिर आपको जो है निशाना है और प्ले लिस्ट पे अगर आपको प्ले लिस्ट बनाना नहीं आता तो उस पर भी मेरे डेडिकेटेड वीडियोज़ बना के रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फिर आपको प्ले लिस्ट कोई सभी सिलेक्ट करके अलग है तो यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर लेता, फिर आपको यहाँ पर टैग अच्छी तरह से टैग लिखते हैं, टैग लिखना होगा। अगर आपको टैग लिखना नहीं आता तो फिर मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ बना दी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो राइट। तो फिर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो जो ट्रेंडिंग टैग्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कमाल नहीं बना हुआ बेरे विराट कमाल, तो यहाँ पे आपको ये टैग वाले ऑप्शन पे कर देना है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे फिर आपका ये जो है टैग बन जाएगा। तो टैग सिलेक्ट बन जाएगा तो आपको ट्रेंड टॉपिक्स कहाँ से पता कर सकते हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली स्पेस सर्च कर लेते हैं, तो सेवर ऑप्शन पर टैप किया मैंने, तो सर ऑप्शन पर टैप करने के बाद ये क्लिक कर लेते पब्लिक, तो बना नहीं होगा, तो पब्लिक करने के बाद यहाँ पर सब ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब चाहे कुछ भी और टैक्स लगा सकते हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेंडिंग टैग कहाँ से पता कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना होगा, तो यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार पर लिखना होगा, मैंने यहाँ पर लिखना होगा हाउ टू मेक लोगो, जैसा कि मैं यहाँ पे एक डेमो के लिए मैं लिखूँगा हाउ टू मेक लोगो, तो हाउ टू मेक लोगो यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू मेक HD लोगो। तो इन मोबाइल यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेजर आ गया, यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट ले लेनी है, तो स्क्रीन शॉट लेने के बाद यहाँ पे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेनी है। टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी वीडियो में अलाऊंगा, आप उसको जाकर देख सकते हो। फिर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है ठीक है। यहाँ पे तो आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो और कुछ भी वहाँ से टेक्स्ट करके कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे लगाओ अपने टैग को फिल करो, ये रिटर्न टैग पता करके अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करना। तो इस टाइप से अगर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो तो आपकी वीडियोस को काफ़ी तक रैंक करेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। सो आई होप कि वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबसे अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड पीस आउट।